नमस्कार, हिम्बुटी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप मानव शरीर के रोग व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वस्थ शरीर के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। यह शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। किडनी शरीर को फिल्टर करने, टॉक्सिंस और हानिकारक कणों को बाहर निकालने में मदद करती है। अगर हमारी किडनी अपना काम ठीक से नहीं करती है तो इससे शरीर में कई रोग पैदा हो सकते हैं। खराब किडनी फंक्शन मोटापा, डायबिटीज, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर और गठिया आदि जैसे रोगों के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल है। इसलिए अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो किडनी को स्वस्थ और इसकी कार्य क्षमता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोगों में किडनी से जुड़ी समस्याएं काफी देखने मिल रही है। किडनी स्टोन, किडनी में सूजन, डैमेज किडनी, किडनी फेलियर आदि जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप नियमित कैनबेरी का जूस पिए तो इससे किडनी को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। यह किडनी की कार्य क्षमता बढ़ाने में भी बहुत कारगर है। किडनी फंक्शन में सुधार करने में कैनबेरी जूस कैसे लाभकारी है? किडनी फंक्शन बेहतर बनाने के लिए कैनबेरी जूस के फायदे। कैनबेरी में विटामिन सी की बहुत अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन इसमें पोटेशियम बहुत कम होता है, इसलिए कैनबेरी को किडनी रोगियों के लिए लाभकारी माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल भी होते हैं। कैनबेरी जूस पीने से यूरिनरी टेस्ट में इन्फेक्शन को रोकने में मिलती है। यूरिनरी इन्फेक्शन किडनी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में कैनबेरी का जूस आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कितना कैनबेरी जूस पिए? कैनबेरी जूस का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अधिक मात्रा में इसका सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। यह सलाह दी जाती है कि आदर्श रूप में प्रतिदिन एक कप लगभग से अधिक कैनबेरी जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि इससे कम मात्रा में ही इसका सेवन करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हम समय समय पर आपको अनेक औषधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।